नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष ने लिया अधिकारियों की बैठक। नदी नाले के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। इस वर्ष पर्यटकों ने भालू के भी फाटो जोन में जमकर किए दीदार। कुमाऊं मंडल में बारिश के चलते 58 सड़कें हुई बंद। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता। कॉर्बेट नेशनल पार्क में डे सफारी कैंसिल होने पर नहीं मिलेगा रिफंड। 4.75 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 15 दिन से लापता महिला का मिला शत विक्षत शव। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। पहली बारिश ने खोली PWD लोहाघाट की पोल। भारी बारिश के बीच आम जनता से सतर्क रहने की गई अपील। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में फिर मरीज की जेब हुई ढीली। फेडरेशन ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। 7 सूत्रीय मांग पत्र पर की वार्ता। कार लूट का पुलिस ने किया खुलासा। भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सौंपी तहरीर, मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला लगभग 4 दिन से कुमाऊं भ्रमण पर हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ों में आपदा से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। जसपुर पहुंचे विनय रोहेला ब्लॉक सभागार में आपदा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उपजिलाधिकारी जसपुर, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग व अन्य कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आपदा प्रबंधन के अंदर समस्त जिले के अधिकारी जो आपदा की जिम्मेदारियों से जुड़े रहते हैं, जैसे PWD इरीगेशन और जल निगम है, जल पावर विद्युत विभाग वाले हैं, सभी विभाग के मेरे ख्याल से तहसील स्तर पे 40 अधिकारियों का फोरम होता है। वो सभी अधिकारी यहाँ थे और सभी समस्याओं के निराकरण में जानकारी लिए, उनका निराकरण कराने का प्रयास हुआ। आपदा के अंतर्गत ये है कि जीव जंतुओं से हानि, सर्प दंश के कारण नुकसान हो रहा है, सर्पदंश हो गया है तो उसकी दवाई हॉस्पिटल में होनी चाहिए, हॉस्पिटल में दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर है, उनको फूकने के बाद उनका रिप्लेसमेंट हो जाए। पानी है, भराव है, उसको निकालने का साधन होना चाहिए। जल भराव है, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। इसी प्रकार से भराव के बाद, आपदा के बाद जो है रोग बढ़ जाता है, डेंगू है, पेचिया, इस प्रकार के रोग होते हैं, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मलबा आ जाता है, उसको मलबे का हटाने का साधन होना चाहिए। जो सड़कें हैं वो टूट जाती हैं, उनको तवरित गति से ठीक किया जाए। सड़कों पे होल हो जाते हैं, उस होल के अंदर लोग गिर जाते हैं, उनको ठीक किया जाए। इस प्रकार से अनेकों कार्यों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मानसून सत्र से पहले एक तैयारी बैठक की थी, उसके बाद लगातार कई बैठकें की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और विभागों द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी सभी डिपार्टमेंटों को भेजी गई है। सभी डिपार्टमेंट एडवाइजरी के अनुरूप अपनी तैयारी, प्रबंधन व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए सक्रिय है और निश्चित रूप से जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो आपदा के प्रति जो नुकसान होने वाला है, जनहानि है, पशु हानि है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपनी तैयारी व्यवस्थाओं में चुस्त दुरुस्त होकर कार्य कर रहा है। मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। वहीं कलसिया और रकसिया नाले के किनारे पानी के भराव के चलते भूकटाव भी हुआ है। जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है। वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस पर नैनीताल DM वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रकसिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कलसिया और रकसिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी, उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। SDM की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई। कॉर्बेट सीमा से लगते रामनगर तराई पश्चिमी के फाटो इको टूरिज्म जोन को जैव विविधता के लिहाज से खजाना माना जाता है, जहां कई प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु वन्य जीव मौजूद है। यही वजह है कि फाटो पर्यटन जोन पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है। इस वर्ष ये जोन सैलानियों से गुलजार रहा। सैलानियों ने बंगाल टाइगर व इस जोन में भालू को भी करीब से निहारा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ, ये फाटो एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ की बियर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। लगातार इस सीजन में कई बार ऐसा हुआ कि बियर और बहुत अच्छे तरीके से, कई बार लोगों को दो दो तीन तीन बियर एक साथ में और कई बार अकेला बियर दिखा, और वो जो बियर दिख रहा है वो बहुत आसानी से दिख रहा है और बहुत तसल्ली से लोगों ने उसको देखा। ऐसा नहीं है कि बियर का नेचर होता है जनरली कि वो लोगों को देख करके भाग जाता है या छूट जाता है, तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे बियर है वो इस तरह से कि वो बहुत ऐसा लगता है कि फेमिलियर है पब्लिक के साथ में, लोग टूरिस्ट के साथ में, तो इसलिए बहुत अच्छी साइकिल।
कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते कल हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हुई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अभी भी बंद है, जिन्हें खोलने के जेसीबी से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद भी थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान दो बैठे वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें की जेसीबी वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। फुलबट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। विगत 1 जुलाई को युवक के लापता होने के बाद से परिजन लगातार युवक की खोज कर रहे हैं। युवक के परिजनों ने 2 पूर्व ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों पर युवक को गायब करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत देकर फुलबट्टा थाने में जोरदार हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की जी, कोतवाल साहब से यही मांगे कि मेरा बेटा 4 दिन से गायब है। मुझे मेरा बेटा मतलब बिल्कुल सुरक्षित मिल जाना चाहिए। नहीं तो क्या घटनाक्रम रहा, कौन बुला के लेके गया, क्या रहा पूरा, कब गायब हुआ? वो तो है, मतलब पार्टी जो है हमेशा ही उसकी पार्टी नेता गिरी में रहता था। आज इसे पार्टी मांग ली, आज उसने मांग ली, यही चलता था उसका। और उस दिन पार्टी ये यमुना ने 1 तारीख को सर, यमुना ने और पिंटू ने पार्टी मांगी थी सर। उनके साथ निकला था, सात बजे लगभग। हाँ जी, वो बात होती रही है, घर पे भी होती रही है। 8:30 बजे तक बात होती रही है। शर्मा होटल ही अपनी किच्छा में, वहाँ पे इनने पार्टी करी है। पार्टी करने के बाद में ये बाहर निकले हैं और इनकी गाड़ी, ये दोनों, वो अपनी गाड़ी से बाइक से आया था, फुलभट्टे से वापस कर दी थी। और जो इनकी गाड़ियाँ थी, जो भी हो, एल्टो थी या बिलोरो थी, ये तो मुझे पता नहीं है, तो इनकी गाड़ियों में बैठा है ये। 8:40 तक फ़ोन करती रही हूँ, उसके बाद में बैठ के ये इधर को आने लगा। फिर थोड़ी आगे जाके उतर भी गया है। उतर जाने के बाद में फिर पीछे, अभी ये कैमरा चेक किए हैं तो पीछे आगे जाके फिर पीछे को निकल गया। निकला है वहाँ तक, ये बाईपास जा रहा है अपना रुद्रपुर को, वहाँ पे उधर के लिए अकेला ही जा रहा है। ये गाड़ियाँ दोनों मतलब इस पे लगाई है। तो इनकी कहना ये है कि जो साथ वाले लोग थे सब घर पे वापस, हाँ घर पे वापस आ गई हैं। इनकी गाड़ी कमल नहीं आया। अच्छा, हाँ इनकी गाड़ियाँ वापस भी आ गई हैं और ये लोकेशन भी बोल रही है इनके फोनों की। कोतवाल साहब से क्या मांग कर रहे हो और क्या मांग? यही है, हमें अपना बेटा चाहिए, वो भी सुरक्षित। और लगी है पुलिस भी लगी है। हाँ जी सर, मेरा नाम पारुल है, मैं कमल से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है सर, वो शाम को मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले प्रधान जी मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। कौन सी डेट? 1 तारीख को पिंटू प्रधान मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। ठीक है सर, पिंटू प्रधान ने मुझसे 30 तारीख को ये बोला था कि मैं जितना पैसा लगा सकता हूँ मैं पैसा लगाऊंगा, तो पीछे मत हटना, मगर इसके ऊपर तो मुकदमा कर। सर मैंने वो नहीं करा, मैं उनके घर जाके बैठ गई कमल को जेल भेजने के लिए। हाँ जी, मैं उनके घर जाके बैठ गई। फिर इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने मेरे से तो बस नहीं चला, उन्होंने फिर मेरे पास कॉल करी, तू घर आ जा हमारे साथ, मतलब कोर्ट चल। मैं उनके साथ नहीं गई। उसके बाद इन्हें शाम को कमल को बुलाया, कमल को बुला के बोलते हैं कि चल पार्टी कर लेते हैं। सर कमल घर से गाड़ी लेके गए, मैंने पूछा कमल से तुम इनके साथ जा रहे हो, मुझे बता तो दो किसके, मतलब कहाँ जा रहे हो। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं शर्मा होटल में जा रहा हूँ। फिर वो फुलभट्टे से उनकी गाड़ी उन्होंने इन लोगों ने वापस भेजी। जब वो घर से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो तुमने ही भेजी होगी ना, और कोई तो नहीं भेज सकता है। और तुम शर्मा होटल में गए हो, मेरी 8:36 पे बात हुई है, मुझसे बोल रहे हैं कि हाँ मैं घर आ रहा हूँ, तू क्या खाएगी।
8:36 के बाद सर मेरी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद इनका मतलब यही है ना, मेरी तरफ से इनका बस नहीं चला तो उन्होंने कमल को किडनैप किया है सर, और कुछ नहीं है, जाहिर सी बात ये है। और ऊपर से मेरे मौसा जी भी हैं, वो मौसा जी की मेरी बात पिंटू से, जमुना से, संजू से, रामप्रसाद से सबसे बात हो रही थी, सब मुझसे कह रहे थे कि इसके ऊपर कोर्ट में केस कर। सर यही सारी बातें, इन लोगों से बोलो ये लोग मुझे ला के देंगे, कमल चाहिए मुझे सर, कमल मुझे ये लोग ला के देंगे, इन लोगों ने किडनैप करा है, क्या करा है कुछ मुझे नहीं पता, इन्हें 2 साल पहले मर्डर कर रखा है, मुझे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, ये क्या कर दें उसके साथ, क्या करें क्या नहीं करें। किसने मर्डर कर रखा सर? पिंटू ने, लंबू ने, ये सब लोग हैं, मतलब लंबू मतलब क्या, नन्ने, वो अच्छा है मेरे मामा लगते हैं सर, जिसके लिए मैंने सब कुछ करा वो मुझे नहीं मिला, तो मेरा मामा या मेरे मौसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो प्लीज़ आप इसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उसको भेज दो। तो ये पार्टी में भी 4 लोग थे? नहीं, ये जमुना था और पिंटू था सर, मतलब इन लोगों ने झांसे से बुलाया। जब तुम मेरे मौसा से, तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का कि हम जितना पैसा लगा सकते तुम पैसा लगाओ, मुझे रात को 9 बजे सर यहाँ बुलाया, संजू ने मुझसे बोला है कि तू हमारे साथ कोर्ट चल, तुझे छोड़ देगा, 6 महीने बाद तेरा कोई रुकावट नहीं रहेगा, तुम मुझे क्यों भड़का रहे हो? जब मेरा सर, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगी तो मैं उसके सामने उस नज़र से नहीं रह सकती ना। मुझे है कि मेरा दामाद है कमल, उसके लिए पिंटू प्रधान, जमुना और वो क्या नाम है, संजू और रामप्रसाद लेके गए हैं पार्टी के नाम से सर। उस दिन से वो वापस आ गए हैं और वो लड़की को वहीं छोड़ कर आए हैं होटल से, मतलब जो साथ में गए थे वापस आ गए। हाँ, वो साथ में गए थे, वो वापस आ गए हैं और उनके लिए हवाई छोड़ कर आए हैं और उस दिन से वो मिल नहीं रहे। जमाएद आपका कमल उस दिन से वापस नहीं आया? कमल वापस नहीं आए उस दिन से, 1 तारीख से। फिर सर 4 दिन से हम यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, ये लोग कोई सुनवाई कर नहीं रहे हैं, उन लोगों को बुला रखा है मगर उन लोगों को बैठा रहे हैं और भेज दे रहे हैं घर, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सही से। मतलब जो लोग साथ में गए थे उनको कुछ देर बिठाते हैं फिर छोड़ देते हैं? हाँ, उन लोगों को बैठाते हैं थोड़ी देर और छोड़ देते हैं। कोई सुराग नहीं लग रहा है कमल का, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है सर। हाँ, अब आप क्या मांग कर रहे हो? मेरी मांग ये है कि हमारा बच्चा जहाँ भी है ये लोग ला के दे हमारे लिए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे चर्चित जोन ढिकाला पर्यटन जोन 15 जून व बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 15 जून से नाइट स्टे भी कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा के चलते मानसून सीजन को देखते हुए बंद कर दिया जाता है, जो हर वर्ष अक्टूबर माह में पुनः सुचारू किया जाता है। सफारी कैंसिल होने पर पर्यटकों के लिए रिफंड वापसी का कोई प्रावधान भी नहीं है, ये कॉर्बेट पार्क की वेबसाइट पर भी दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन से बुकिंग होती है उसमें कोई कैंसिलेशन का प्राविधान नहीं दिया गया है शासन के द्वारा, तो रिफंड का कोई अभी तक है नहीं। हमने एक प्रस्ताव चला रखा है कि रिफंड का एक पॉलिसी बनाया गया है ताकि जो भी पर्यटक कैंसिल करते हैं उनको भी रिफंड मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई रिफंड का पॉलिसी है नहीं। तो अगर कोई रीज़न के कारण अगर कैंसिल हो जाता है, या तो रेन बारिश के कारण या कोई और अन्य कारण से भी कैंसिल होता है, तो उसका रिफंड नहीं होता है। इसको हम क्लियरली वेबसाइट पे भी मेंशन किए हैं और वो बुकिंग करने से पहले भी इसको मेंशन किया जाता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने भगवंतपुर रोड स्थित आम के बाग में स्मैक बेचते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी तस्कर से 4.75 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के धोनी सिरिंग गांव की महिला भूमि देवी 52 वर्षीय पत्नी धर्म सिंह 20 जून को रात को अचानक लापता हो गई थी। तब से परिजन व ग्रामीण लगातार भूमि देवी की तलाश कर रहे थे तथा पंचेश्वर कोतवाली में भी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। गुरुवार शाम लगभग 3 बजे के आसपास भूमि देवी का शत विक्षत शव दिखाई दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहला मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र का है, जहां एक ड्राइवर के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। पुलिस ने ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है। ड्राइवर का नाम शेर सिंह, निवासी वार्ड नंबर 17, बंगाली कॉलोनी
सिरौली कला का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला किचा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बंद पड़ी मील में चौकीदारी का काम करने वाले गंगाराम पुत्र हीरालाल निवासी बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने गंगाराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। तो वहीं तीसरा मामला रुद्रपुर के सिडकुल की कंपनी का है, जहां कंपनी में राजमिस्त्री का काम करते हुए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने तीनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये अंकल और आज में तीन लोगों की मृत्यु की सूचना जो है प्राप्त हुई है। इसमें एक केस थाना पुलबट्टा का है, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी, अपने घर में ही इन्होंने हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड किया है। उसमें ये जानकारी में आया कि व्यक्ति के द्वारा लगातार मदिरा का सेवन किया जा रहा था और उसके प्रभाव में आकर के ये घटना की है। उसकी बाकी हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो सेकंड केस है किच्छा थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहाँ पर एक फार्म हम पे काम करने वाले व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 ईयर्स थी, उनकी डेथ हुई है। जो प्राइमा फेसाई जो कारण लग रहा है वो करंट लगने से मृत्यु लग रही है। बाकी हमने पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को भेजा है, उसमें पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। जो कॉज ऑफ डेथ आएगा और जो आसपास के लोग स्टेटमेंट्स देंगे उसके हिसाब से इसमें भी अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और थर्ड केस जो है ये सिडकुल चौकी क्षेत्र में आता है। इसमें एक कंपनी में एक व्यक्ति जो है राजमिस्त्री के तौर पर काम कर रहा था और उसकी कार्य के दौरान जो है उसको वॉमिटिंग हुई और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो उस दौरान उपचार उनकी जो है डेथ हुई है। और उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है उसको असर्टेन करने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे और बाकी लोग जो आसपास काम कर रहे थे उनसे भी जानकारी ली जाएगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। चंपावत जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के मद्देनजर डीएम चंपावत नवनीत पांडे द्वारा लगातार जिला आपदा परिचालन केंद्र व तहसील स्तर पर बने नियंत्रण कक्ष व विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है तथा सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोले जाने के लिए लगातार कार्य जारी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। लगातार बारिश हो रही है और क्या क्या तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है? हमारे पास मौसम विभाग से 3 दिन का हाई अलर्ट प्राप्त हुआ था। तत्क्रम में हमने सर्वप्रथम तो जो हमारे विद्यालय और आंगनबाड़ी हैं उनके हमने अवकाश घोषित किया गया था। विगत 24 घंटे में चंपावत में रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके दृष्टिगत हमारे जनपद में इस समय 1 NH, 1 SH और 14 आंतरिक मार्ग जो हैं बंद हैं। लगातार बारिश हो रही है, तद्यपि हमारी मशीनें वहाँ पर मौके पर तैनात हैं। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वो सड़कें जो हैं आज शाम नहीं तो कल सुबह तक खुल सकेंगी। हमें जो मेन चैलेंज आ रहा है उस समय वो हमारा स्वाला पे 1 किलोमीटर 106 पर काफ़ी बड़ा स्लाइड आया हुआ है, जहां लगातार इस समय पत्थर भी आ रहे हैं, जहां इस समय स्लिप सफाई करना सुरक्षित नहीं है। अवगत कराया गया है कि करीब वहाँ पर 100 से 150 गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं दोनों तरफ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शाम तक अगर हम लोग 6-6:30 बजे तक मार्ग खोल सके तो आवागमन सुलभ हो सकेगा। यदि नहीं हो पाता है तो फिर हम यात्रियों के लिए यहाँ पे रुकने की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हैं। रैनबसेरे आदि एक्टिवेट कर दिए जाएं और उनके लिए जो भी बिस्किट और नमकीन और पानी वगैरह है वो नियमित रूप से वहाँ वितरित किया जा रहा है। शुक्रवार को लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने PWD लोहाघाट की नालियों की पोल खोल कर रख दी है। PWD की बंद पड़ी नालियों के चलते सड़क नदियों में तब्दील हो गई और बरसात का पानी कई लोगों के घरों में जा घुसा। वहीं सड़कों में पानी बहने से राहगीरों, दुकानदारों व वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहनों के चलने से सारा पानी दुकानों में जा घुसा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से मरीजों की जेब में सेंध लगाई है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में 14 रुपए के OPD पर्चे के दाम दुगने करते हुए 28 रुपए कर दिए गए हैं, जिस कारण लोहाघाट क्षेत्र की जनता में आक्रोश फैल गया है। शनिवार को निवर्तमान पालिका सभासद राजकिशोर शाह, भुवन बहादुर, दीपक शाह आदि लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को उपजिला चिकित्सालय की सुविधा तो दी नहीं गई और गरीब लोगों की जेब में मार करते हुए पर्चे के दाम दुगने कर दिए हैं। उन्होंने कहा दवाइयां तक मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है। उपजिला चिकित्सालय के नाम पर सुविधा 0 है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इनने जो ये पर्ची का शुल्क सीधे इनने 14 रुपए की पर्ची 28 रुपए की बना दी। लोगों में काफी नाराजगी है। सुविधा के नाम में इनने कुछ नहीं बढ़ाया। बाल रोग विशेषज्ञ की कोई तैनाती नहीं है। लोग दूर दराज से आते हैं, परेशान होके आते हैं और यहाँ 28 रुपए की इनने पर्ची दी। लोग कह रहे हैं यहाँ सुविधा बढ़ाओ,
और जो हमारी गर्भवती महिलाएं बहनें आती हैं ये इनने रेफरल सेंटर बना दिया है। लोगों में काफी नाराजगी है और आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं कि जो पुराना इनका पर्ची वाला था शुल्क वही हमारे लोगों से लिया जाए और उनको सुविधाएं दी जाए, सुविधाएं बढ़ाएं तब जाके ये शुल्क बढ़ाएं, नहीं तो जो भी है ये अपना पुराने उसमें काम करें। और काफी नाराजगी है, आक्रोश है बिल्कुल। हम अगर स्वास्थ्य विभाग शुल्क नहीं घटाएगा हम सीधे धरने में बैठेंगे अस्पताल के परिसर में, और हम इनको कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ाओ न कि ये शुल्क बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत ही सोचने विषय है जो इस प्रकार की स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार के कार्य कर रहा है। यहाँ हमारे अस्पताल में सुविधा मात्र कुछ नहीं है। आम जनमानस गरीब व्यक्ति जो सरकारी अस्पताल में मतलब वही आदमी जाता है जिसको जरूरत होती है, जो कि खुद मजबूर होता है आदमी तब वो सरकारी अस्पताल में आता है। सरकारी अस्पताल की स्थिति किसी व्यक्ति से छिपी नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है इनके पास, और ऐसी स्थिति में इनका शुल्क बढ़ाना बहुत ही मतलब अकल्पनीय है जिसको इन्होंने वापस लेना चाहिए। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से अगर सीएमओ साहब कह रहे हैं और जिला चिकित्सालय का उसको दर्जा मिल गया है तो इस हिसाब से सुविधाएं भी तो दें। सुविधाएं तो यहाँ कुछ है नहीं, रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ आप किसी समय भी जाइए कोई दवाई नहीं मिलेगी आपको, बाहर को रेफर कराया जाता है आदमी को, और सीमांत क्षेत्र का आदमी यहाँ पर आता है वो आदमी कहाँ जाएगा। 100-200 रुपये उसका टिकट यहाँ आने में लगता है, उसके बाद सीधे टनकपुर को रेफर कर देते हैं, चंपावत रेफर कर देते हैं ना, उसमें आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। इसका कराया जाएगा एकदम, इसके अगला कदम यह है कि इसके हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के दशम द्विवार्षिक अधिवेशन में चयनित नव निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा आज जिलाधिकारी चंपावत से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता की गई। जिलाधिकारी द्वारा 7 बिंदुओं पर सार्थक परिचर्चा करते हुए सभी समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया है। फेडरेशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार एवं महामंत्री जीवन चंद ओली के नेतृत्व में शिष्टमंडल डीएम से मिला था। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विसेज एसोसिएशन जनपद शाखा चंपावत के दशम अधिवेशन में जो विभागीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों के लेकर के आज जिलाधिकारी द्वारा हमें वार्ता का समय दिया गया था, और वार्ता में हमारे विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारियों और जिलाधिकारी के मध्य 7 बिंदुओं पर वार्ता हुई है। जिलाधिकारी द्वारा उनमें सकारात्मक कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया गया है, और हमें जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जिन मांग पत्रों पर आज सहमत बनी है वह कर्मचारी हित में कारगर साबित होंगे, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी जिला प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच में संवाद बना रहे जिससे कि जनपद में अनावश्यक कर्मचारियों को आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। तवंचे की नोक पर ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र में हुई कार लूट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कार की RC और एक तवंचा भी बरामद कर लिया गया है। SP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्तों द्वारा उक्त कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने वादी को साथ लेकर मोदी मैदान की तरफ ले जाया गया, जहां पर अभियुक्तों ने वादी को तमंचा दिखाकर उसकी कार लूट ली और मौके से फरार हो गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 25/6 को ट्रांजिट कैंप थाने में एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में सूचना भी हमें तुरंत प्राप्त हुई थी कि वादी जो है एक जसविंदर सिंह है, इनका कार डीलिंग का बिजनेस है, और 2 लोगों ने इनके साथ सौदा करके इनको झांसे में लेके सौदे की बात करके गाड़ी खरीदने के नाम पर टेस्ट ड्राइव के बहाने साथ में गाड़ी में बैठ के ले गए, और इसके बाद जो है तमंचे का प्रयोग कर धरा धमका कर गाड़ी लूट कर ये लोग ले गए थे। इसके बारे में तुरंत मुकदमा भी पंजीकृत किया था हमने, संगीन धारा जो भी है उसमें पंजीकृत करके SSP उधम सिंह नगर के कड़े निर्देशों के उपरांत इसमें SP City CO City निकट पर्यवेक्षण में थाना ट्रांजिट कैंप और SOG की पूरी टीमें इसमें लगी हुई थी। अलग अलग टीमों ने इसमें काफ़ी मेहनत करी, अंतर्राज्यीय दबिशें भी दी, काफ़ी सारे एफर्ट लिए टेक्निकल डिटेल्स और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर एक अच्छी सफलता टीम को 6 जुलाई को प्राप्त हुई है, और थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अबरार अंसारी ये रुद्रपुर का निवासी है, वंश मखीजा ये भी रुद्रपुर का निवासी है, और जितेंद्र उर्फ जतिन ये थाना केलाखेड़ा का निवासी है। इन 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है और कारतूस है उसको भी हमने बरामद किया है, और गाड़ी की RC भी हमने बरामद की है। वाहन के संबंध में कुछ डेफिनेट इनपुट हमारे पास आए हैं, जिसके उपरांत मनीष संदिग्ध का नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में भी हम इनिशियल अभी पूछताछ करके इसमें जल्द ही वाहन की रिकवरी भी हम करेंगे। या इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। SP City और CO City के नेतृत्व में लगातार हम घटना जो हो रही है उनका खुलासा अभी हम हाल फिलहाल में कर रहे हैं। थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम भी इसमें अच्छी मेहनत की है, तो पूरी ट्रांजिट कैंप की टीम को
SSP उधम सिंह नगर द्वारा जो है 1,500 रुपए का कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हिंदू पर संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया था। रुद्रपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तहरीर पर भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी मजबूरी है, ये बेसिकली एक नेशनल लेवल की पार्टी उनके किसी उनके एक नेतागण के खिलाफ जो है कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया था, कुछ थ्रेटनिंग उसमें की गई थी, तो उसे हम लोगों ने उसमें उस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, तो उसके आधार पे हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैसेज बहुत ही क्लियर है कि जो भी पीस और ट्रैंक्वालिटी को डिस्टर्ब करने का जो भी प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।